दोस्तों इस समय मार्केट पे देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट कुछ अलर्ट हैं जो कि देखिएगा मार्केट को पेन दे रहे हैं। अलर्ट ऐसे हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी 3 फेज के ही चुनाव हुए हैं, इलेक्शन के वो वोटिंग हुए हैं, 4 बाकी हैं और इसी पर्टिकुलर जो मंथ में जितने भी डे बचे हैं उसमें ही देखने मिलेंगे। जिस जिस दिन भी देखिएगा इलेक्शन के वोट पड़ रहे हैं उस दिन मार्केट नीचे जा रहा है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जब आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि विक्स भी बहुत हाई है और कई ऐसे प्रॉब्लम हैं जो मार्केट का मूड अभी इलेक्शन से जस्ट पहले खराब कर सकते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला देखिएगा कम वोटिंग, हाई विक्स, FPI, ये देखिएगा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट कैसे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले हाई विक्स क्या बताता है, तो अगर आप देखेंगे हैवी शॉर्ट सेल पोजीशन, यानी कि स्टॉक मार्केट पे इस समय हैवी शॉर्ट सेल पोजीशन है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप समझ लो। इलेक्शन के देखिएगा रिजल्ट कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर लेता है। अब वो एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन बीत रहे हैं 5 फेज के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरिटी के साथ चेंजेस होते हुए आपको देखने मिलेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर डिस्काउंट को एक कुशन बना के चलते हैं। वरना आप इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कितना बढ़ोगे, अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार बनाती है तो आप इलेक्शन के दिन कितना बढ़ोगे जब ऑलरेडी आप बढ़ चुके हो। तो उस पर्टिकुलर थिंग को मार्केट पहले से ही क्या करता रहता है, डिस्काउंट करके रखता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिएगा ये हमेशा का एक ट्रेंड है कि अगर मार्केट को पता है कि सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी तो उसे पता है कि उसे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देनी है उस रिजल्ट वाले दिन, और उससे पहले अच्छी देखेगा पैनिक क्रिएट करके बड़े प्लेयर क्या करते हैं, आपसे या फिर देखेगा नॉर्मल प्लेयर से माल छुड़वा लेते हैं, शॉर्ट सेल की पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट को ऐसा दिखाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आते हैं वो अपोजिट आते हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखिएगा 3 बार ही ऐसा हुआ है, 2 बार देखिएगा, एक बार 2014 के इलेक्शन के बाद, एक बार 2019 के इलेक्शन के बाद, कि यहाँ पे विक्स में 20 से 30% की देखिएगा आप ट्रेंड देखने मिली है। और दोनों बार ही देखिएगा इलेक्शन के बाद मार्केट भागा है। और आपको पता है कि विक्स जब बहुत हाई रहता है प्री इलेक्शन मोड में, तो वो डर को दिखाता है कि मार्केट में डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली विक्स क्या हो रहा है, कभी 7% अप, कभी 12, कभी 14% अप, तो ये सोच रहा है कि मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बनाए रहो, क्लियरिटी ना दो मार्केट को। जब क्लियरिटी नहीं मिलती है तभी रिटेल ट्रेडर डरता है। तो ये सबसे बड़ा फियर बना हुआ है इलेक्शन से पहले का। अब आपका दूसरा देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विक्स देखेगा सेशन में बिना रुके छलांग लगाकर 66 पॉइंट देखेगा 66% उछलकर यहां पे नए हाई बना चुका है। और ये इलेक्शन से पहले बता रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे जैसे दिन बीतेंगे वोलेटिलिटी और बढ़ेगी और स्टॉप लॉस भी कटेंगे दोनों साइड। तो आप ट्रेड एक ही डायरेक्शन में एक सेटअप पे मॉर्निंग में कर लीजिए, उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं या फिर हेजिंग पे ध्यान दीजिए। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां बाजार ने पहले भाजपा एनडीए की जीत को डिस्काउंट कर रखा है। डिस्काउंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्काउंट करके नहीं रखेंगे तो उस दिन मार्केट कम भागेगा। फिर अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन स्ट्रेस टेस्ट, बार बार देखिएगा सेबी वैल्यूएशन को लेकर नए नए नॉर्म्स, टाइटर नॉर्म्स ला रही है। और आपको पता है ये बार बार देखेगा हमारा मार्केट महंगा है, हमारा मार्केट बहुत एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, हमारे मार्केट में कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत ओवरबॉट है, स्मॉल कैप देखेगा मिड कैप अभी और उनके एडजस्टमेंट करने हैं, उनके बैलेंस शीट के हिसाब से उनके स्टॉक के वैल्यूएशन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बाजार को इम्पैक्ट कर रही हो, चाहे RBI ने अभी देखेगा जितने भी सरकारी लेंडर्स हैं उनको लेकर कोई बड़ी बात कही हो, या फिर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को लेकर सेबी ने एक्शन लिया हो उससे रिलेटेड बात हो। तो वैल्यूएशन स्ट्रेस टेस्ट जो चल रहा है वो बार बार मार्केट को डराता है, और डराने के बाद क्या करता है, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो ये सेकेंड बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखता है। तीसरा आपको याद रखता है कि यहाँ पे FII आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे वो निगेटिव पोजिशन बना रहे हैं, शॉर्ट सेल की पोजिशन बना रहे हैं, जिस कारण से वो जो मोमेंटम था मार्केट का वो मोमेंटम नहीं क्रिएट हो पा रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट प्लस में है। तो FII का डेटा डेली बेसिस पे देखते रहिए, अदरवाइज
आप खुलोगे तो पॉजिटिव में, बंद होगे निगेटिव में, और लॉस भी होगा। तो इसलिए ये तीन अभी 25 दिन या 20 दिन जितने भी बचे हैं इलेक्शन से पहले, ये कुछ ना कुछ मार्केट में बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ये तीन इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।